अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी इंस्टेंट स्किन को ब्राइट करने वाली, स्किन को फ्रेश करने वाली और स्किन को ग्लोइंग बनाने वाली रेमेडी। हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल और आसान सी रेमेडी है, आप इसे आसानी से ही हर स्किन टाइप पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एलर्जी टेस्ट जरूर कीजिएगा अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक टोमेटो जो कि फुल पका हुआ रसीला टोमेटो है, हमें भी जूस से भरा हुआ फुल रसीला टोमेटो चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम इस तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो उसे हम 5-7 सेकंड मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में होगा तो ही उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। अभी इसके ऊपर जाएगा 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी। जी हाँ, पिसी हुई चीनी भी हमारी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करेगी, डेड स्किन को रिमूव करेगी और स्किन पर फौरन से इंस्टेंट ग्लो लेके आएगी। हमारी स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट हो जाएगी। तो अभी मैंने इसी तरह से डायरेक्ट मैंने टोमेटो को ग्रेट नहीं किया, अगर आप ग्रेट करके इसका जूस अलग करके इस रेमेडी को ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से टोमेटो का हाफ पीस लिया है और उसके अंदर मैंने डाला है पिसी हुई चीनी का 1 चम्मच। और अब जाएगी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, पिंपल्स को किल करने वाली, एक्नी को रिमूव करने वाली हल्दी। हल्दी मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। आप अगर अपनी फुल बॉडी पे इसे अप्लाई करना चाहते हैं, सन टैन को रिमूव करना चाहते हैं, अपनी स्किन को अच्छी तरह से ब्राइट और साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, तो आप इसे ज़्यादा मकदार में भी बना सकते हैं। आप टोमेटो का जूस ले लें, उसे ग्रेट करने के बाद पल्प के साथ ही लीजिएगा और ज़्यादा मकदार में ये दोनों इन्ग्रीडियंट्स उसके अंदर ऐड करके तो आप इस रेमेडी को जो है वो बना सकते हैं। मैंने इसी तरह से टोमेटो के पीस के ऊपर शुगर और हल्दी जो है उसे डाला है। तो अभी इसी तरह से डायरेक्ट मैं इसे अपनी स्किन पर इस जूस को डालूँगी और टोमेटो के इसी पीस के साथ मैं अच्छी तरह से इसका मसाज करूंगी। इतना अच्छी तरह से मसाज करना है कि हमारी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से टोमेटो का जूस, टर्मेरिक और शुगर, ताकि हमारी स्किन जो है वो अंदर से ग्लो करे, स्किन अंदर से साफ़ हो और जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाए। अच्छा, ये स्किन को ब्राइट तो करेगा ही, स्किन से सन टैन को रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स को, एक्नी को, पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे जो गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से ओपन्स बहुत ज़्यादा पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो ओपन पोर्स को भी ये टाइट करेगा और स्किन को ब्राइट करने के साथ साथ स्किन को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टाइटनिंग का इफ़ेक्ट भी देगा। तो आपने इस तरह से अच्छी तरह से टोमेटो का जूस ले लेके तो अपनी स्किन पे इसे सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। आप अपने पूरे फेस पे, नेक पे, अपने फीट, आर्म, जितने भी आपकी बॉडी के वो पार्ट्स जो डायरेक्ट धूप में जाते हैं, जिन पर आलूदगी की वजह से या किसी भी वजह से हमारी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, तो ये उसे बड़ी ही तेज़ी से साफ़ करेगा। तो बहुत अच्छी तरह से इसका मसाज करना है, क्योंकि टोमेटो बहुत सॉफ्ट है तो मसाज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अभी अपने हाथों का मैं अपने अच्छी तरह से मसाज करूँगी और इसका जो पल्प है, जो जूस है, आपने उसे वेस्ट नहीं करना, जो बच जाए अगर आप अपने सिंपल हाथ और पाँव के लिए बना रहे हैं तो आप अपने फेस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हर स्किन टाइप के लिए है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आप कोई भी रेमेडी जो है वो ट्राई करते हैं तो आप ज़रूर पहले अपने स्किन के थोड़े से हिस्से पर लगा के चेक कर लें कि वो आपको किसी तरह से इरीटेट तो नहीं कर रहा। तकरीबन 30 मिनट तक आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं, तो फिर ही आप इसे ट्राई कीजिएगा। तो अदरवाइज़ हर स्किन टाइप के जो लोग हैं वो इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों के जो उनके घुटने, उनके बाजू वगैरह जो ब्लैक हो जाते हैं उसे वाइट करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से इससे तकरीबन 10 मिनट्स दिए थे मसाज करने के लिए, और खूब अच्छी तरह से मसाज करने के बाद जब हम इसे क्लीन करेंगे तो
आप देखेंगे कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अभी मैं आपको आपके सामने लाइव इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से वॉश करने के बाद कितनी ब्राइट, स्मूथ, साफ़ सुथरी और नीट हो गई है। मैं क्योंकि रेगुलर अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, इसलिए मैं जब भी कोई रेमेडी अप्लाई करती हूँ तो मुझे उसका फ़ौरन से रिज़ल्ट मिलता है। आप भी रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन की केयर करें तो आपको भी बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।